सो हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज की ये रोस्ट वीडियो होने वाली है क्योंकि वाइंस बना तो कोई देखता ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मन हो तो देख लेना। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो हम देखने वाले हैं इंडियन आर्मी पे बने कुछ क्रिंज शॉर्ट्स जिसमें लॉजिक। पर यार वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, वो पूरा ध्यान रखते हैं कहीं लॉजिक यूज ना हो जाए। अरे फौजी अपनी बंदूक नीचे रख दे वरना तेरे बच्चे की खोपड़ी उड़ा दूंगा। प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो जाओ। ये जो 8 साल की लड़की से तुमने माँ की एक्टिंग करवाई है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैं नहीं मानता। और ये कैमरामैन कितना पीछे जाएगा, छत है फुटबॉल का ग्राउंड नहीं है, नीचे गिर गया तो बच्चे का पता नहीं तेरी खोपड़ी जरूर खुल जानी है। तेरी इन धमकियों में नहीं आने वाला मैं, तू चाहे मुझे कितना ही डरा ले मगर मैं अपनी बंदूक नीचे नहीं फेंकूंगा। ये देख फौजी, एक बटन दबाते ही तेरा पूरा परिवार खत्म। अच्छा अपने बारे में नहीं अपने परिवार के बारे में तो सोच। अभी 2 सेकंड पहले क्या बोला था? तेरी इन धमकियों में नहीं आने वाला मैं, तू चाहे मुझे कितना ही डरा ले मगर मैं अपनी बंदूक नीचे नहीं फेंकूंगा। बस हवा निकल गई। माना कि तुम वेले हो, तुम्हें कोई काम नहीं है, पर उस बच्चे की तो सोच लो बेचारा 15 मिनट से अपनी जोसू रोक के खड़ा है, उसको तो जाने दो। हार गया ना तू फौजी। जब बच्चे कोई करामत आती थी तो पहले क्यों नहीं दिखाई? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। बाकी जो तुम इंडियन आर्मी पे ये वीडियो बनाते हो ना, मत बनाया करो। तुम बनाते तो पता नहीं क्या सोचते हो, पर मैसेज गलत ही जाता है। वो गलत मैसेज क्या है वो आप कमेंट में बताना। अंकल अंकल मुझे बुला गए, घर छोड़ दीजिए। घर कहाँ है? पाकिस्तान। और यहाँ बच्चे का 4 सेकंड का डायलॉग हुआ वो तो ढंग से रटा दिया करो। मुझे बुला रहे थे क्या? बॉर्डर से आवाज मार रही है क्या उसकी मम्मी? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। तुम्हें क्या लिए हो? खिलौना दिखाएगा इधर। ये खिलौना क्या होता है? बेचारे बच्चे से थैली नहीं बोला जा रहा और ये जालिम लोग बेचारे से जबरदस्ती वीडियो बनवा रहे हैं। और इनका भी एक असूल होता है, वीडियो में जो डायलॉग बोल दिया रीटेक नहीं होगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कर दिया, बाकी का काम मैं पूरा करूंगा। फौजी तू तो बच्चे का जाल में फंस गया, जो तुम्हारे हाथ में है वो टाइमिंग बम है, उसका रिमोट हमारे हाथ में है, ज्यादा चलाकी की तो तुझे उड़ा दूंगा। चल बॉर्डर के उस पार ले चल। टाइमिंग बम रिमोट से नीट सेट किए हुए टाइम से फटता है, जाओ वेल डन से मूवियां देख के आओ। सही बात है, कहा था ना मैंने इनकी वीडियो में लॉजिक। बॉर्डर के उस पार क्यों जाना है, तू पहले से इंडिया में है। ये पहला आतंकवादी है जिसको इंडिया में नहीं पाकिस्तान में घुसना है। हम आतंक। और ये हो गई वीडियो की हैप्पी एंडिंग। तो उसको मारना था तो तू खड़े खड़े भी मार सकता था, ये बैठने की क्या लॉजिक था? टाइटल में इंडियन आर्मी लिखने से हम मान थोड़ी लेंगे, तो इंडियन आर्मी है रहेगा तो तू फिर भी छपरी। और ये रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा होकर किसकी खेती रखवाली कर रहा है? और इनमें भी अलग ही एक एटीट्यूड है, कभी जूते नहीं पहनेंगे, रहेंगे तो चप्पल में ही। साहब जी इस बार आपकी भी चिट्ठी आई है साहब जी। ठीक है चिट्ठी आ गई, सब्जी क्या कर रहा है? और ये बॉर्डर पे ही चिट्ठी देने आ रहा है, ये क्या लॉजिक? सॉरी बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। लगता है आज मेरी भी चिट्ठी आ गई। साहब जी इस बार आपकी चिट्ठी आई है साहब जी। मेरी चिट्ठी? माँ ने पूरे 4 महीने बाद चिट्ठी भेजी है, अब इसे जल्दी से पढ़ के देख लेता हूँ। बहुत बढ़िया ऐसी एक्टिंग तो मैंने पहली क्लास में होते ही छोड़ दी थी करनी। और ये कौन से बॉर्डर की रखवाली कर रहा है तू? वो आतंकवादी तो अंदर घुसा पड़ा है, वो साइड से गोली मार रहा है, गोली तेरे सामने से लग रही है, ये क्या लॉजिक? अरे आई एम सॉरी बाबू। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ओके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।